ओम शांति। आप सबको यह स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सी द सुदर ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम कर रहे हैं फर्स्ट में एक मई के ईश्वरीय वरदान की रिकॉर्डिंग, जहां परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम जो भी कर्म करें वो उनकी याद में करें, ताकि हमारे जो कर्म हो उसमें जब भी कोई सिचुएशन आए, और वो सिचुएशन इंसानों के थ्रू आती है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना कि वो इंसान वो सिचुएशन है या वो इंसान वो प्रॉब्लम है। अगर कोई गुस्से से आता है और हमारे अंदर अगर शांति की कमी है, तो हम स्वयं अगर गुस्से में आ गए और अगर हमने रिप्लाई कर दिया, इसका मतलब कमी हमारे अंदर थी। एक बहुत ही अच्छा कहें तो एक उखान बोलें या एक इंग्लिश में कहते हैं प्रोवर्ब है कि अगर आपके अंदर कोई एनिमी नहीं है तो बाहर का कोई एनिमी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कहने करती है एनिमी हमारे अंदर है, क्रोध है, अहंकार है। जैसे परमात्मा कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, फिर ईर्ष्या घृणा नफरत आलस्य अलबेलापन, ये सारी चीज़ें भी हमारे अंदर के एनिमीज हैं। अगर ये एनिमीज हमारे अंदर हैं तो ऑटोमेटिकली कोई अगर आलस्य कर रहा होगा उसको हम देखेंगे आलस्य करते हुए, तो हमारे अंदर भी क्या आएगा, और आलस्य आएगा। कोई क्रोध करता हुआ अगर हम देखेंगे और हमारे अंदर भी थोड़ा सा क्रोध है जिसको हमने ज़्यादा ताकत दी है, जिसका हमने ज़्यादा सोचा है, तो हमें भी क्रोध करने का मन करेगा। तो परमात्मा कहते हैं इसलिए अपने अंदर कि जो विकार है उनको शक्ति के द्वारा, परमात्मा की याद के द्वारा उनको खत्म करते जाओ, ताकि प्रैक्टिस बनती जाए हमारी। तो परमात्मा कहते हैं यथार्थ याद द्वारा, यथार्थ मतलब सच्ची याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले। शक्तियां सिर्फ आठ शक्तियां नहीं है जो कि हम ब्रह्मा कुमारी में सीखते हैं, जैसे सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। चाहे कोई इंसान आपको आपका दुश्मन जैसा भी हो, लेकिन आप फिर भी उसको सहयोग कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्मयोगी भव। शस्त्रधारी देवी देवताओं को शस्त्रों के साथ दिखाते हैं, ग्रीक गॉडेसेस एंड गॉड्स को शस्त्र के साथ दिखाया जाता था। तो ये शस्त्र कौन से हैं? ये शस्त्र हैं ज्ञान के शस्त्र, शक्ति के शस्त्र, मन और बुद्धि की एकाग्रता के शस्त्र हैं। कि हम ज्ञान के कौन से पॉइंट्स, कौन सी शक्तियाँ यूज़ करें ताकि हमारा मन और हमारी बुद्धि क्या हो जाए, एकाग्र हो जाए किसी भी सिचुएशन में। फिर परमात्मा कहते हैं यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना। अगर परमात्मा की याद है तो परमात्मा की शक्तियाँ भी याद आएंगी, उनका ज्ञान भी याद आएगा, और उस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करना है ताकि आप अपने मन के अंदर चलने वाले थॉट्स की ट्रेन को रोक दो। डिब्बे के पीछे डब्बा, डब्बा के पीछे डब्बा, डब्बा के पीछे डब्बा अगर चढ़ जाता है तो इंजन उतना लोड नहीं रह पाता। तो मन और बुद्धि भी जब बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स की ट्रेन अगर बन जाती है, डब्बे जुड़ जाते हैं, तो आपका मन भारी हो जाता है। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम अस्त्र शस्त्र के द्वारा उन डब्बों को जुड़ने ना दें, ताकि हमारा मन बुद्धि रूपी जो इंजन है वो गर्म ना हो जाए चल चल के। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम वो अस्त्र शस्त्र यूज़ करें, काम में नहीं आए। तो परमात्मा कहते हैं परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। सिचुएशन आ गई, इंसान हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन किसी ने क्रोध किया, वो व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे अंदर बैठा हुआ है दुश्मन, और हमें वो चोट लग गई, तो हमने भी क्या किया, अहंकार में आकर के हमने भी उसको नीचा दिखाने के लिए सो क्रोध के द्वारा उसको नीचा दिखाया। तो एनिमी तो बाहर से आया, लेकिन अगर अंदर का एनिमी जाग गया, अंदर का रावण जाग गया, तो बाहर के रावण को हराने की कोशिश करेगा, और रावण रावण को हरा नहीं सकता, राम रावण को हरा सकता है, एक एंजल एक डेविल को हरा सकता है। तो आप अपने अंदर क्या उत्पन्न करते हैं? अगर आपके पास ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं तो आप अंदर के रावण को जगने नहीं देंगे, आप उसको सुलाए रखेंगे, बोलेंगे आप सोते रहो, मैं अपने अंदर के राम को, अपने अंदर के एंजल को, फरिश्ते को यूज़ करूँगा। तो उसके लिए ज्ञान की ज़रूरत है। तो हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकेंड भी नहीं रह सकते, नहीं रह सकते ना। अब ये आँखें ब्लिंक कर रही हैं और ये सांस ले रहे हैं ये शरीर से, तो ये भी एक कर्म है परमात्मा के अनुसार। वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं कर सकते, है ना। जैसे एक सेकंड भी नहीं रह सकते हम कर्म के बिना, वैसे कोई भी कर्म
योग के बिना नहीं कर सकते। परमात्मा से जुड़ करके हर कर्म करना, हर श्वास, हर संकल्प, हर बोल, हर संपर्क, हर संबंध में आते हुए हमें क्या करना है, परमात्मा की याद में करना है। इसलिए कर्म योगी शस्त्रधारी बनो और समय पर सर्वशक्तियों को ऑर्डर प्रमाण यूज करो। तब कहेंगे यथार्थ योगी। तो वो कौन सी शक्तियां हैं, उसके लिए आपको 7 डेज का पहले फर्स्ट कदम तो लेना पड़ेगा, साधन का कोर्स करें, उसके बाद आपको अष्ट शक्तियां पता चलेंगी, फिर आप उनको प्रैक्टिस करेंगे यूज करने की, फिर आस्ते आस्ते जाकर के और शक्तियों के बारे में पता चलेगा। इसके साथ ओम शांति।